बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल और आप लोग मज़े में होंगे। अच्छा जनाब, इस वक्त मैं हूँ कराची में और आज जो है वो मेरा सिटी टूर है मेरी एक क्लाइंट के साथ जो कि कैलिफोर्निया बेस्ड हैं, और उनका दो दिन का टूर है मेरे साथ, एक दिन कराची के अंदर और एक दिन जो है वो ठट्ठा की तरफ। तो सबसे पहले हम आज विज़िट करने आए हैं पारसी कॉलोनी। पारसी कॉलोनी इससे पहले मैं कभी भी नहीं आई, दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम। और ये इस तरह की बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे, बहुत मज़े की हैं। आर्किटेक्चर चेक करें आप, ये पारसी कॉलोनी जो है वो सदर में है। अभी हमने एक जो है वो दरवाज़ा नॉक किया था, फैमिली से पूछा था कि हम अंदर जा सकते हैं तो उन्होंने मना कर दिया। तो ये सामने जो है बेकरी है, घर के अंदर ही उन्होंने बेकरी बनाई हुई है, आपको दिखाते हैं। और मेरी जो क्लाइंट है उनका नाम है शंदाना, वो जो है ब्रेड खरीद रही हैं। हेलो, हाउ आर यू? गुड, सो वी आर बाइंग सम पाइनएप्पल ब्रेड। ओके नाइस। किस नाम से है? सिलीज। 18 इयर्स से है इनकी बेकरी। और ये मेन रोड पे इस तरह से घर बने हुए, लेकिन आई गेस इस वाले में हम एंटर नहीं हो सकते। वहाँ पे एक दरवाज़ा है तो सही, ताला लगा हुआ है। यहाँ से ले लेते हैं। बड़े डिफरेंट किस्म के घर बने हुए हैं और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक दो घरों में लोग रहते हैं, क्योंकि गाड़ियां तो घरों के बाहर खड़ी भी हैं। इस तरफ ये चर्च है, तो यहाँ पे मैंने विजिट किया है, लेकिन यहाँ पे भी मुश्किल से जाने दिया था। एक मेरे साथ फ्रेंड था जो वो फॉरेनर था, उसकी वजह से एंड होने दिया, वरना वो अलाउ नहीं कर रहे थे। ये पता नहीं क्या है, आई एम नॉट श्योर। ये हम इम्प्रेस मार्केट के पीछे वाली साइड पे हैं क्या? जहांगीर पार्क, सही, जहांगीर कोठा। लेट्स गो टू इम्प्रेस मार्केट। यहाँ पे इनके पास अचार, स्पाइसेस, सारी चीज़ें हैं। ये बहुत अच्छा टाइम है जिस टाइम हम आए, क्योंकि यहाँ पे रश नहीं है इस वक्त। चार दे दें, चार सही है, छह दे दें। मैं श्रीलंका से, माय फ्रॉम श्रीलंका, मैं 35 ईयर। हाउ कैन यू स्पीक उर्दू देन? यू लर्न 35 ईयर आने पाकिस्तान में, 35 साल है, पहले भी पता है 35 ईयर। सही, थैंक यू, शुक्रिया। मेरा बड़ा बेटी का घर दब गया पहाड़ी में ना, इसीलिए थोड़ा मदद मांग रहा है, इसको भेजना के लिए। अच्छा हाँ, ओ व्हाट्स हैपनिंग हियर? कपड़े का तेल, सरसों का रात
वैसे एक चीज है कि अभी रश नहीं है, हम अच्छे टाइम पे आए हैं। यहाँ पे भी ये ऑयल निकाल रहे हैं देसी तरीका। खराब हो जाएगा, कमजोर है ना, टूट जाएगा आपके हाथ से। शुक्रिया बहुत शुक्रिया। वैसे तो मैं प्लास्टिक नहीं इस्तेमाल करती, लेकिन कुछ लोग नहीं कर रहे हैं आजकल, लेकिन मजबूरी है, क्या करें। अच्छा जनाब, अब हम पहुंच गए हैं वंस रोड। हमने प्लान जो है वो थोड़ा सा चेंज किया है। पहले हम खाना शाना खाएंगे। ये है जनाब बंस रोड 23। बिरयानी आ गई है, रायता, कबाब, और अब हम इसकी एक जो है वो तस्वीर भी लेंगे। स्टेशन अब हम जो है सिटी स्टेशन आ चुके हैं, और यहाँ पे ये सर्कुलर रेलवे भी लगी हुई है, इसकी एक दो बोगियाँ लगी हुई हैं। और ये पीछे आपकी सारी बिल्डिंग है। कराची शहर, हमारा शहर। आपका रिजर्वेशन ऑफिस है ये इस तरफ, और इसके साथ एटीएम भी लगा हुआ है। अगर आपके पास कैश ना हो तो आप जो है वो अपने बैंक से कैश निकाल सकते हैं, और फिर उससे जो है वो टिकट ले सकते हैं। यह पार्किंग एरिया है, ये पीछे चेक करें बिल्डिंग है नापा की बिल्डिंग में, जो कि पहले जो है वो हिंदू जिमखाना हुआ करता था, अब जो है ये नापा के साथ जो है वो इन्होंने जोड़ दिया है। एडमिन अंदर बैठी हुई है, और ये सामने एडमिन का जो है वो बंदा निकला है बाहर। इस तरफ ये नापा की बिल्डिंग है। अब हम इसके फ्रंट पे जा रहे हैं। गार्डन है ये सामने, बिल्डिंग है इस तरह हिंदू जिमखाना की। मेहरबानी अदा, अदा गाल बुधो जो कि जूता आन सिंधी उए किथे मिलांदा। सिंधी जूता केड़ा जो ट्रक काटिज करनो खुसे वांगर हुंदो आ जे तो कोपरेटिव मार्केट ने करे मीटर केतरो अगते आ ये ता बा निकंदा ना ता अगले ये सिंगल से अगे अगे सिंगल कुंड बदी मार्केट है। एक सिग्नल छड़े बे सिग्नल बिल्कुल सिग्नल बिल्कुल कुंड दे चप्पल दुकान खुसा कर जो को इन बाजार में ना इन बाजार को ठीक आ शाह अजरक को टोपी कर जूते कह रहे हैं थोड़े से आगे एक सिग्नल छोड़ के दूसरा तो चाहते हुए हम देख लेंगे अभी। हाँ, और चीजें कुछ है जो मतलब कुछ यार हो चाहिए या ट्रक काट और जो बने ना जो कि सिंधी जूता होगा खुसा एक ट्रक काट होगा ना वो ना तो खा सही उसा जूते मिले ठीक है। मैं बुमार की के जब मैं बुमार की ना बताए ना होते मतलब एकड़ी टोपी घणे जी था दियो 400 500 600 800 अच्छा अब गेंगे हैं। ये सारी सुवेनियर्स हैं
लिखा हुआ हम कोई गुलाम है। कितने का बता रहे? 1200 का है लेकिन फिक्स प्राइस नहीं है, डिस्काउंट मिल जाएगा। और ये है मेरी बाइंग, ये खरीदा है मैंने ये, और ये मैंने दो कीचेंस खरीदे हैं। नहीं वैसे हमने देखना है, अभी रेनोवेशन का काम चल रहा है, हर वक्त चल रहा होता है। अभी क्या करें, गवर्नमेंट का काम है, जब हम भी इंतजार कर रहे हैं, हम बाहर बैठे हैं, हमारा ऑफिस अंदर है। तो आप लोग कौन है, किस चीज का ऑफिस है? कल्चर डिपार्टमेंट का। अंदर नहीं जा सकते, इसकी हिस्ट्री ये है इस बिल्डिंग। जब ब्रिटिश जो है, आपने वैसे विकिपीडिया तो इसका देखा होगा ना, पढ़ा होगा, लेकिन उससे मुझे इत्तेफाक नहीं है, वो गलत है। लेकिन इसका आर्किटेक्चर जो है वो आयरलैंड से आया है, उसने आगे ये जगह देखी इस जगह, और इसमें जगह मिल गई है। हम मोहाटा पैलेस आए हैं, लेकिन ये लग नहीं रहा कि हम मोहाटा पैलेस आए, क्योंकि यहाँ पे किसी को। अब हम जाएंगे मोहाटा पैलेस अंदर, लेकिन हमारे जाने से पहले हमारे कैमरास तो ले लेंगे। तो म्यूजिक बिल्डिंग आपको दिखा देते हैं, सारी मेन गैलरीज तो इन्होंने बंद की हुई है मोहाटा पैलेस में। खैर और ये है जनाब हमारा आखिरी स्टॉप सी व्यू, और इसके बाद अब हमारा ये प्लान है कि टूर यहीं पे एंड होगा और हम अपने अपने घरों को रवाना होंगे। जब तक आप लोग भी देख लें, सी व्यू अब काफ़ी बेहतर हो गया है पहले से, और सिंध गवर्नमेंट ने थोड़ी बहुत सफाई की है फॉर्चुनेटली, तो फॉरनर्स को लेके आने में इतनी ज़्यादा शर्म नहीं आती, और हमने ये चाय भी ली थी। सो या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।